हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आज ऑप्शन ग्रीक के बारे में जानेंगे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ऑप्शन ग्रीक का इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए इन ऑप्शन ग्रीक का इम्पोर्टेंट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और उसी का हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम अपने क्लासरूम में चलेंगे, और क्लासरूम का पार्ट वन हम ओपन करेंगे। ऑप्शन ग्रीक के पार्ट, तीन पार्ट हमने बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है, उसके लिए हमने ये ओपन कर दिया। और इस ऑप्शन ग्रीक का जो मतलब क्या है, क्यों ऑप्शन ग्रीक इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन प्राइस जो डिपेंडेंट होता है इन पांच फैक्टर पे डिपेंड होता है। पहला स्टॉक प्राइस, सेकेंड एक्सरसाइज प्राइस, थर्ड जो है टाइम, और फोर्थ है वोलाटिलिटी, और फिफ्थ नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पांचों के पे डिपेंडेंट होता है, और इन्हीं पांचों को एक ग्रीक लैंग्वेज में इनको एक अलग नाम दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन की जो कैलकुलेशन हुआ था ग्रीक वालों ने ही किया था, जिस कारण से ये ग्रीक उन्होंने ही नामकरण किया था इन पांच फैक्टरिंग प्राइस पे। जैसे हम अल्फा, बीटा, गामा, किरणें जो पढ़ते हैं, रेज जो होते हैं एटॉमिक रिएक्शन होने पे, तो वहाँ वो ग्रीक लेटर ही यूज किया गया था। इसीलिए ये पांच फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ऑप्शन प्राइस को चेंजेस करते हैं, वो ग्रीक के लेटर में असाइन किए गए हैं, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ग्रीक का नाम है डेल्टा। तो डेल्टा के बारे में जानेंगे फिर। तो डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा का सबसे पहला पॉइंट अगर हम नोट करेंगे, तो डेल्टा मीन रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक प्राइस। मीन्स कि स्टॉक का प्राइस अगर मूवमेंट करता है, स्टॉक का प्राइस प्लस या माइनस की तरफ मूव करता है, प्लस या माइनस की तरफ मूव करेगा, तो डेल्टा डेल्टा जो है इन प्लस या माइनस होगा। अब डेल्टा जो प्लस एंड माइनस जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, अगर स्टॉक की प्राइस प्लस साइड में मूवमेंट होगा तो हम डेल्टा को प्लस होते हुए देखेंगे, और निगेटिव होगा तो डेल्टा को घटते हुए देखेंगे। और कॉल ऑप्शन का डेल्टा मिनिमम 0 हो सकता है, और पुट ऑप्शन का जो होता है 0 to -1 होता है, तो मीन्स पॉइंट ये है कि पुट ऑप्शन हमेशा नेगेटिव डेल्टा होगा और कॉल का हमेशा पॉजिटिव डेल्टा होगा, 0 to 1। अगर डीपली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन डीपली आउट ऑफ द मनी है, उस केस में डेल्टा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मीन्स कि स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है और आप 120 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा निकालेंगे तो ये 0 होगा। कॉल ऑप्शन डीपली इन द मनी होगी। सपोज 100 रुपया है और आप 95 रुपीज का डीपली इन द मनी, मीन्स कि 98 रुपीज का या 95 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। ये सिंपल सा आप ये, और डेल्टा ग्रीक ऑप्शन में डेल्टा ही रिलेट करता है गामा को, तो इसलिए डेल्टा और गामा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी के तीन ऑप्शन, तीन जो है वो अलग है और बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं।
तो डेल्टा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा आपने समझ लिया तो आप इस वीडियो में भी मैं डेल्टा पे ही फोकस करूंगा, बाकी चीजें अपने आप रिलेटेड हैं, तो डेल्टा पे आपको फोकस करना है। और जब भी ऑप्शन में खरीदारी करते हैं तो डेल्टा को वाच करना जरूरी है। अगर कोई स्टॉक प्राइस 100 रुपये का मूव कर रहा है और आप 110 रुपये वाला कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो इसका डेल्टा चेक करना जरूरी है। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टॉक प्राइस 100 रुपया से 105 रुपया आ गया, लेकिन कॉल ऑप्शन जो 110 वाला ले रखा है आपने, सपोज कॉल ऑप्शन 5 रुपये का लिया था 105 रुपये के केस में, तो 105 आने पे भी ये कॉल जो है ओनली 5 रुपया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि डेल्टा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। सपोज डेल्टा इस पॉइंट पे जीरो था तो ये जीरो ही रह गया, तो मीन्स कि डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ही आप स्टॉक प्राइस के बढ़ने से ऑप्शन कॉल ऑप्शन में बढ़ोतरी होगी, और उस केस में पुट का आप डेल्टा देखेंगे तो ज़्यादा होगा। तो मीन्स कि डेल्टा का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है जब भी आप डेल्टा, और डेल्टा के बेसिस पे ही हेजिंग होता है। तीसरा पॉइंट वही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि डेल्टा जो है 0.4 एंड डेल्टा, तो उस केस में पुट, ये जो हमने मतलब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर डेल्टा 0.4 होगा तो पुट का 0.6 होगा माइनस में, और दोनों ऐड करेंगे तो जीरो रिजल्ट हो जाएंगे। मीन्स कि ये पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये कॉल और पुट को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4 होगा, अगर 110 रुपये का 100 रुपये का स्टॉक प्राइस मूव कर रहा है और 110 रुपये का, आप ये नोट कर लें ऊपर में, मैं नोट कर देता हूँ, प्राइस जो है 100 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस जो है, इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, 110 वाला आपने कॉल ऑप्शन लिया है, स्टॉक प्राइस 100 रुपया स्ट्राइक प्राइस 110 रुपया, तो स्ट्राइक प्राइस जो है 110 रुपया स्ट्राइक प्राइस जो है 110 रुपये का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, कॉल का प्राइस सपोज 5 रुपया है और डेल्टा इस केस में 0.2 है। अब अगर इस स्टॉक में अगर प्राइस इंक्रीज करता है और उसका प्राइस हो जाता है 103 रुपये, उस केस में कॉल ऑप्शन चेंज नहीं होता है, इट्स मीन्स डेल्टा भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा भी चेंज नहीं होगा। और ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा अगर, और 110 रुपये का पुट ऑप्शन का डेल्टा, डेल्टा अगर पुट ऑप्शन का देखा जाएगा तो -0.8 होगा। ये तीसरे पॉइंट से ये निकल के आया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेल्टा मतलब कि स्टॉक प्राइस में चेंजेज होगा, तो डेल्टा में चेंजेज होगा, और डेल्टा जो होता है कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शन का नेगेटिव होता है। इफ कॉल, अगर आप कॉल ऑप्शन डीप आउट ऑफ द मनी, डीपली आउट ऑफ द मनी आप
देखेंगे तो उसका डेल्टा जीरो के करीब होगा और डीपली इन द मनी होगा तो उसका क्लोजर टू वन के आसपास होगा। और बीच में लेंगे, सपोज 100 रुपये, 110 रुपये का कॉल ऑप्शन आप डेल्टा देखना चाहते हैं और प्राइस चल रहा है 108 रुपये पे, तो आउट ऑफ द मनी है, उस केस में आपका डेल्टा 0.4, 0.3, 0.5 के आसपास हो सकता है। और जैसे जैसे 111 रुपये के करीब जाने लगेगा तो ये डेल्टा इंक्रीमेंट होने लगेगा, 0.5 से बढ़ के 0.6 की तरफ होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड से ये बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होता है कि अब उस केस में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर एक पॉइंट प्राइस चेंज होगा तो उस केस में 40 पैसा, इफ प्राइस ऑफ स्टॉक गोज अप 1 पॉइंट, मीन्स कि 1 रुपया अगर स्टॉक का प्राइस मूव करेगा और डेल्टा 0.4 है, आप यूं समझो कि डेल्टा जो है, ये जो डी हमने नोट किया, ये 0.4 है, तो स्टॉक का प्राइस, यहां से आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का प्राइस जो है अगर 1 रुपया प्लस होगा। अब आपने पहले तो चेक करना है कि जो भी ऑप्शन प्राइस आप ले रहे हैं उसका डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसको समराइज करूं मैं ट्रेडिंग के पर्पस से, डेल्टा का मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे डेल्टा का मूवमेंट होगा और डेल्टा के मूवमेंट पे स्टॉक प्राइस में भी, ऑप्शन में मूवमेंट होगा। तो ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं तो डेल्टा चेक करना जरूरी है। अगर जीरो होगा तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, मीन्स की उस ऑप्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अब रही बात कि स्टॉक, अगर डेल्टा आपने चेक किया कि 0.4 है और स्टॉक प्राइस 105 रुपये का चल रहा है और ऑप्शन आपने जो 0.4 है वो डेल्टा है 110 रुपये का, तो उस केस में अगर 1 रुपया ऐड होगा, अगर स्टॉक प्राइस 1 पॉइंट चलेगा तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन का प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है 110 वाला ऑप्शन का प्राइस है 5 रुपया, तो अगर प्राइस 1 रुपया हुआ मीन्स कि 106 रुपया प्राइस होगा तो कॉल ऑप्शन क्या होगा 5.40 पैसे। क्यों? क्योंकि 4.04 इसका डेल्टा का ऑप्शन वैल्यू है, तो ये 40 पैसे, मतलब कि 1 रुपया ऐड होगा तो 40 पैसा ऑप्शन में इंक्रीमेंट होगा। अगर ये 50 पैसे 0.05 होता तो फिर ये 50 पैसा बढ़ता और 1 होता तो 1 इक्वल टू 1, मीन्स कि अगर स्टॉक प्राइस 115 रुपये चल रहा है और कॉल ऑप्शन ऑप्शन ने 110 का लिया हुआ है, 110 वाला स्ट्राइक प्राइस का लिया है, तो 1 पॉइंट बढ़ेगा तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, मीन्स कि जो भी उसकी वैल्यू है उसमें टाइम वैल्यू, वोलेटिलिटी एंड थीटा, ये सारा वैल्यू ऐड करके प्राइस होता है। तो आपको डेल्टा का वैल्यू पता होना ही चाहिए, तभी आप उसके बेसिस पे आप चाहो तो हेज भी कर सकते हो। कैसे हेज करेंगे इसका, इसको समझने के लिए, अगर एक कॉल ऑफ इक्विवेलेंट टू 0.4 शेयर, मीन्स कि एक अगर एक कॉल ले रहे हैं आप, 5 रुपये का एक कॉल ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट 0. जितना इसमें प्रॉफिट होगा उतना ही 0.4 शेयर में होगा, मीन्स कि अगर आप 10 कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो 4 शेयर में जो प्रॉफिट होगा वही 10 कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। 10 कॉल ऑप्शन मतलब लॉट नहीं, 10 कॉल क्वांटिटी, नंबर ऑफ 10। सपोज निफ्टी का 75 का है, 75 का लॉट है और इसका डेल्टा 0.5 है, 0.5 है, तो उस केस में एक कॉल ऑप्शन मतलब 75 शेयर में जो फायदा होगा वो आपको 35, नंबर ऑफ 35 शेयर आप खरीदेंगे उसमें जो फायदा होगा उतना एक लॉट में प्रॉफिट होगा। तो आप इसको हेज भी कर सकते हैं। हेजिंग कैसे करेंगे, हेजिंग वाला पॉइंट ये नीचे आ रहा है, कैसे करेंगे। सपोज निफ्टी 11,500 का
कॉल ऑप्शन का डेल्टा डेल्टा जो है 0.5 है, 0.5 है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि निफ्टी का दो लॉट, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 11,480 के आसपास चल रहा है, आप इसको हेज करना चाहते हैं तो डेल्टा के बेसिस पे आप हेज कर सकते हैं। डेल्टा आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। इसको हेजिंग हेजिंग के तौर पे भी यूज किया जाता है। कैसे? जब डेल्टा का मतलब आप समझेंगे, सबसे पहले डेल्टा का मतलब समझ गए कि डेल्टा का ऑप्शन 0 से 1 होता है। डेल्टा का मतलब अगर डेल्टा 0.4 है तो उसका जो पुट का जो डेल्टा होगा वो 0.6 होगा माइनस। सेकंड थिंग, डेल्टा जो है हमारा अगर आउट ऑफ द मनी है तो डेल्टा इक्विवेलेंट टू 0, और इन द मनी है, डीप इन द मनी है तो 1 के बराबर होगा। और चौथा मेन पॉइंट ये है कि डेल्टा का वैल्यू अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे आप शेयर के साथ हेज कर सकते हैं, या अगर आप हेजिंग कर सकते हैं साथ में शेयर खरीद सकते हैं। सपोज डेल्टा 0.5 है, डेल्टा 0.5 है तो आप कॉल ऑप्शन ना खरीद करके आधा शेयर खरीद लीजिए, तो जो आपको कॉल ऑप्शन में फायदा होगा वही 50% शेयर में फायदा होगा। मीन्स कि अगर आप दो दो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे इक्विवेलेंट टू 1 शेयर खरीद सकते हैं अगर 0.5 है तो। उसी तरीके से 0.4 है तो उसी के रेशियो में 0.6 आप शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। अब रही बात कि हेजिंग के तौर पे, अब यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं हम कि 11,500 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है 0.5 है और निफ्टी चल रहा है 11,480 480। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम हेजिंग हमें करना है तो हम अगर कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो हमें इसके अगेंस्ट आधा 1/2 शेयर सेल करना है। निफ्टी है तो 1/2 तो आप शेयर सेल नहीं कर सकते हैं, और एक लॉट में 75 कॉल ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे 75 फ्यूचर के लॉट होते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। कितना? दो कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट एक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल कि दो कॉल ऑप्शन खरीदो आप और एक निफ्टी को शॉर्ट कर दो तो आप बराबर हो जाओगे। और जैसे कि आप अंदाज से कॉल ऑप्शन को बाई करके निफ्टी शॉर्ट करते हो अंदाज से, लेकिन अंदाज से नहीं करना है, उसका डेल्टा चेक कीजिए। डेल्टा अगर 0.5 है तो उसके अगेंस्ट 2, अगर 0.4 है तो फिर उसको आपको हेज करने के लिए 0.4 को 0.6 आपको शेयर बेचने पड़ेंगे, तब जा कर के डेल्टा न्यूट्रल होगा। इसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। तो उस पर भी हम आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टडी करेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल करने के बेस पे हम कैसे हेज करके पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से ऑप्शन ग्रीक का डिफिनेशन जान रहे हैं, और ऑप्शन ग्रीक में सबसे पहला पार्ट जो 5 ऑप्शन होता है डेल्टा को हमने यहाँ जाना, और आई थिंक जिसको क्लियर नहीं है 2-3 बार देखे वीडियो उसके बाद भी क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से मैं इसको और ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड पार्ट थीटा गामा, गामा और ये डेल्टा आप समझ चुके तो आप सारे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले गामा क्या होता है? तो गामा में जैसे स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे डेल्टा चेंज होता है,
तो सपोज 105 रुपये से स्टॉक 110 रुपये चला गया, तो यहाँ पे डेल्टा 0.3 था, अब यहाँ डेल्टा हो गया 0.8। तो ये जो 0.8 जो है, 0.8 है 3, तो ये कितना इंक्रीमेंट किया, इसी को बोलते हैं गामा। तो गामा गामा जो है डेल्टा, अगर मूव नहीं होगा, डेल्टा डेल्टा डज नॉट मूव एट सेम रेट, हेंस रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन स्टॉक प्राइस इज कॉल्ड गामा। मीन्स कि जितना स्टॉक प्राइस मूवमेंट होता है और उसी के अगेंस्ट डेल्टा में जो चेंजेज होता है, वही हमारा गामा है जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो ये जो चेंजेज होता है, इस चेंजेज के बेसिस पे हमारा ऑप्शन का प्राइस भी चेंज होता है। तो ये जो चेंजेज जाने, ये चेंजेज के बेसिस पे आप ऑप्शन का पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ये कितने प्राइस पे, सपोज ये 0.5 मूवमेंट किया, 0.5 गामा में कितना चेंजेस हुआ, 0.5 डेल्टा में 0.5 हुआ, तो 0.5 वैल्यू जो है ये हमारा गामा को रिप्रेजेंट करता है, और यही गामा प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स कि 5 रुपये वाला ऑप्शन 10 रुपये का हो गया, तो ये 5 रुपया जो बढ़ा है यही गामा के कारण हुआ है। मीन्स कि आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हो, ये मीन्स कि 5 से 10 हुआ, मीन्स कि 0.3 से 0.8 हुआ डेल्टा, लेकिन गामा जो है 5 से 10 हुआ, तो ये जो चेंजेज हुआ 5 रुपया का, 0.5 का, ये गामा है। तो ये गामा के कारण हुआ। प्राइस के चेंज होने से डेल्टा चेंज होता है, और डेल्टा प्रीवियस डेल्टा से अब तक का डिस्टेंस कितना तय हुआ, डिस्टेंस समझो कि ये डिस्टेंस कितना तय हुआ, प्राइस डिफरेंस कितना चेंज हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है गामा। तो गामा अपने आप डेल्टा के थ्रू कैलकुलेट होके आता है। तो यहाँ इससे भी पता चलता है कि डेल्टा ही इम्पोर्टेंट है, गामा उसका एक डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है कि कितना डिस्टेंस चला। तो ये है गामा। तो गामा का इम्पोर्टेंट आपको नहीं समझना है, गामा बस ये आपको माइंड, ये अगर आप पूरा ऑप्शन ऑप्शन ग्रीक का एनालिसिस करते हैं तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, वोलेटिलिटी कांस्टेंट है, तो डेल्टा प्राइस के चेंजेस पे कितना गामा चेंज होगा, कितना डेल्टा चेंज होगा उसका, और उसके अगेंस्ट आप प्राइस, आप अपने ऑप्शन का कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं कि ऑप्शन प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, अगर ये दोनों फिक्स है तो। और ये फिक्स कब होंगे, जब इंट्राडे में टाइम टाइम तो कल, आज के बाद ही कल चेंज होने वाला है, तो टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है सेम इंट्राडे के केस में। तो हम आने वाले एक्सपेरिमेंट से, स्टडी से, और ऑप्शन की वन बाय वन स्टॉक का ऑप्शन के बारे में जानेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे और जाके क्लियर होगा। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और भी हम डिटेल जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रेटजी जब हम शेयर करेंगे ऑप्शन के लिए कि कौन से ऑप्शन को राइट करके, सेल करके, बाई करके, हेज करके आप पैसा, अपने पोजीशन को हेज कर सकते हैं या ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। तो वो जैसे जैसे हम आगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करेंगे इनके थ्योरी के बेसिस पे, तो और जाके क्लियर होगा। अभी आप बस सिंपल सा स्टडी है कि प्राइस के चेंज होने पे डेल्टा चेंज होता है, और डेल्टा 0 से 1 होता है, कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव में होता है, पुट ऑप्शन का नेगेटिव में डेल्टा होता है। सेम थिंग गामा, गामा जो उसके बीच में जो चेंजेस होता है, डेल्टा के चेंजेस, प्राइस के चेंजेस होने पे डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है, तो डेल्टा का वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो होता है, तो बीच का जो डिफरेंस पॉइंट है वो गामा कहलाता है। सेकंड थीटा, थीटा जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टी से टाइम, टी से थीटा, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल टी से टाइम, टी से थीटा। तो रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड थीटा।
ऑप्शन प्राइस विल गो डाउन ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, मीन्स कि ऑप्शन प्राइस डाउन होगा क्योंकि टाइम पास होगा, तो ये थीटा के कारण, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है वैसे वैसे ऑप्शन का प्राइस डाउन होने लगता है, तो ये थीटा के कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। लास्ट चौथा पॉइंट है वीगा, वीगा मतलब वी फॉर वोलाटिलिटी, तो ये रिप्रेजेंट करता है वोलाटिलिटी पे, मीन्स कि इतनी ज़्यादा, अगर कभी कभी आप देखते हैं कि वोलाटिलिटी जब बढ़ जाता है कोई इवेंट के कारण, वोलाटिलिटी जब ज़्यादा मेजरमेंट होता है उस केस में ऑप्शन के प्राइस बढ़े हुए दिखते हैं, उस केस में डेल्टा थीटा टाइमिंग सब ठीक हो, सब एक ही होते हैं, लेकिन उस समय प्राइस आप देखते हैं प्रीमियम ज़्यादा होता है ऑप्शन का, क्यों? क्योंकि वेगा वेगा के कारण होता है। वेगा किस पे रिप्रेजेंट करता है? वोलाटिलिटी पे, मीन्स कि हाई वोलाटिलिटी के चांसेस होता है, और जब भी वोलाटिलिटी के चांसेस किसी इवेंट के कारण बढ़ेगा तो वेगा में चेंजेज होगा, और वेगा के चेंजेज होने से स्टॉक ऑप्शन में चेंजेज होगा। लास्ट जो है रो जो होता है इंटरेस्ट ऑफ चेंजेस पे डिपेंड करता है, मींस कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस होने के बेसिस पे रोहो डिपेंड करता है उस पे, तो रोहो का एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मीन्स कि हर कंट्री का हर टाइमिंग का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शन के, क्योंकि ऑप्शन जो होता है एक ऑब्लिगेशन प्राइस होता है, मीन्स कि फ्यूचर में एक तरीके से एक हम दाव लगाते हैं टाइमिंग और वोलाटिलिटी को और अपने पोजीशन को हेज होने के लिए, तो उसका एक रिस्पेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो भी उस कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पे राहो कैलकुलेट होता है, तो राहो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी के बेसिस पे इसके इसका ऑप्शन के कैलकुलेशन में इसका इम्पैक्ट होता है, तो मीन्स कि टाइम एक ज़्यादा ही वेरिएबल चीज़ है, वोलाटिलिटी स्टैंडर्ड वोलाटिलिटी, हर स्टॉक का अलग अलग वोलाटिलिटी होता है, हर इवेंट पे अलग अलग वोलाटिलिटी होता है, तो वोलाटिलिटी और थीटा जो है टाइम, ये दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं जो अलग अलग समय पे और अलग अलग स्टॉक पे चेंजेज होते हैं, और राहो जो है वो फिक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रही बात डेल्टा, डेल्टा जो है स्टॉक के मूवमेंट पे चेंज होता है, और गामा उसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जब भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो टाइम को जानते हुए वोलाटिलिटी को देखते हुए हम डेल्टा पे ही दाव लगाते हैं, तो आने वाले वीडियो में और भी क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें जो भी मैंने एनालिसिस किया है कैसा किया है, और कुछ गलतियां अगर जल्दबाजी में हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।